दिखाई दे रही और वो वाणी उसकी कि अगर गुरु के अंदर समर्थता ना होगी वो सर्प बनेगा और शिष्य चींटियां उसको खा खा करके ये पूछेंगे कहाँ है परमात्मा और नष्ट कर देंगे। मैं देख रहा दोष क्या चल रहा। उन्होंने कहा कैसे भी करके इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए, लेकिन जो ये कर्म है ये किसी देवता से नहीं टूटते। आप समझोगे कि कोई देवता आएगा और हमारे कष्टों को दूर कर देगा, कोई पितर आएगा, कोई पूर्वज आएगा, कोई देवी आएगी, कोई और जाएंगे किसी पीर के स्थान के ऊपर, किसी मंदिर में जाएंगे, कट जाए, नहीं कटेगा कर्म। कर्म कटना इतना आसान है ही नहीं जितना हमने बना दिया। ये हो सकता आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाए, लेकिन पुण्य से पाप कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी स्थान के ऊपर नहीं कट सकता। ये नियम है और ये परमात्मा का नियम है, हमारा नहीं है, परमात्मा का नियम है। अगर कर्म कट सकता है तो वो भजन के द्वारा कट सकता है। जो समर्थ हैं या तो वो झेले उस कर्म को कि समर्थ गुरु है, झेलना पड़ेगा किस लिए, कल्याण के लिए, नहीं तो उनको तोड़ करके कर्म को कमजोर किया जाए और भजन के मार्ग पर चल करके उसके अंदर जो ताकत है कर्म की वो धीरे धीरे, जिस प्रकार से रस्सी हम पीछे कुएं के अंदर खींचते थे तो पत्थर के ऊपर निशान हो जाते हैं, कहीं भी आपने बैलों के ऊपर देखा होगा जो लकड़ी का जचाते हैं कंधों के ऊपर, जुआ बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोला जाता है, उसके ऊपर भी रस्सियों के निशान हो जाते हैं। बैलगाड़ी के अंदर देखो, या आप जो गाड़ी ले रहे हो उसको चलाते हो रोज, तो उसके ऊपर भी हाथों के निशान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कर्म जब नाम आप रटोगे, नाम के अंदर इतनी ताकत है कि वो कर्म को इसी प्रकार से घिसाने लगता है रगड़ रगड़ करके। और जितना आप नाम की ताकत का प्रयोग करोगे उतना ये कर्म टूटता जाएगा। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आप परमात्मा को रटिए। कुछ लोग सोचते हैं जो पहली बार आए कि अरे राम के नाम से क्या होगा, वो तो हम रट ही रहे थे पहले से। लेकिन वो अनजान जीव ना कर्म के रहस्य को जानते हैं, न गुरु के शब्द को जानते हैं, न वचन को पहचानते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि किस प्रकार से ये कर्म तोड़े जाते हैं और किस प्रकार से जीवों को सदगति प्रदान की जाती है और आपको मोक्ष के मार्ग के ऊपर चलाया जाता है। आपका लक्ष्य अगर मात्र ये छोटे छोटे कष्ट हैं तो ये बड़ा काम नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन आपका लक्ष्य यहाँ तक पहुँचने का मेरे हिसाब से परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा की प्राप्ति के बिना आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, न इस जन्म में पूरा होगा, न अगले जन्म में पूरा होगा, न उससे अगले जन्म में पूरा होगा। क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक सुमरण नहीं होगा,
अगर कोई आपको ये बोले कि जाने के बाद आपको वहाँ परमात्मा मिल जाएंगे, वहाँ आपको कृष्णा मिल जाएंगे, राधा रानी मिल जाएगी या और कोई मिल जाएगा, यहाँ तक मैं देख रहा, इतना भक्तों के अंदर तो होना ही है आपस में, क्या रे मेरे गुरुजी तो कृष्ण को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं। दूसरे बोलते हैं अरे नहीं, मेरे गुरुजी तो बस श्री राम को मानते, राम से बड़ा नहीं है। तीसरे वाले बोलते हैं अरे नहीं, महादेव से बड़ा कोई नहीं है, महादेव के सब नीचे हैं। चौथा बोलता अरे आदि शक्ति, इन्होंने महादेव के ऊपर भी पैर रख दिया था, माँ भवानी, माँ के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब उसके नीचे हैं। ये सब के सब मूर्ख लोग उस तत्व को नहीं पहचानते। ये तो मात्र एक कुछ जल लेकर के आए हुए थे उस सागर से, ये तो कुछ कलाएं आई थी जगत को जगाने के लिए, संसार को ये दिखाने के लिए कि परमात्मा भी कोई ताकत है। वो संतों के रूप में, उपदेशकों के रूप में और करके दिखाने के लिए अवतारों के रूप में कुछ कलाएं ही आती हैं, कुछ कलाएं। लेकिन हम उनको ये मान करके कि हाँ ये पूर्ण तत्व है, आप भी पूर्ण है तत्व तो हो, पूर्ण तत्व ही अगर उस नजर से देखें तो, क्योंकि आपके अंदर भी वही तत्व है, उनके अंदर भी वही तत्व है और वो परमात्मा भी वही तत्व है। कोई भी ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी भेद 1% क्या आधी परसेंट भी भेद नहीं है, एक ही है सब कुछ और एक ही खेल है। लेकिन जीवों के लिए भक्ति का मार्ग खोला गया और भक्ति करते 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 हम ये भूल गए भक्ति किसकी करनी है और भक्ति से दूर चले गए।